बिग बॉस सीजन 16 की एक्स कंटेस्टेंट सहमान और सुंबुल की लड़ाई पर पहली बार बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी के सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने तोड़ी है चुप्पी। शिव ने सुमान को लेकर दिया है ऐसा जवाब जिसे सुनकर आप भी शिव के हो जाएंगे फैन। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। सलमान खान और सुंबुल तौकीर खान की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद लगातार वो जोड़ी जिसको सबसे बेस्ट जोड़ी माना जाता था, जिसको टेलीविज़न की वन ऑफ द मोस्ट जोड़ी का अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन वो जोड़ी अब ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आपको बता दें सुंबुल और फहमान की कंट्रोवर्सी म्यूज़िक वीडियो से शुरू हुई थी और बॉलीवुड बबल के इंटरव्यू तक जाकर ख़त्म हुई, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद से जैसे ही फैंस का दिल टूट गया है, लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि फहमान और सुंबुल एक साथ नज़र आएँ, लेकिन सुंबुल के पिता ने जो रायता फैलाया था उस पर अब पहली बार शिव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। शिव ने कहा है कि सुंबुल तौकीर खान मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और इवन तो फहमान खान भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हमने कई बार एक साथ काम किया है, मेरे को दोनों की बॉन्ड काफ़ी अच्छा लगता है, हमने एक साथ बॉन्ड शेयर किया था एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में। सलमान खान पर्सनली बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सुंबुल को करीब 3-4 महीने से ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि वो बिग बॉस में मेरे साथ रही थी। सुंबुल का दिल बहुत साफ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सुंबुल के पास अभी उतना दिमाग नहीं है, वो दिमाग से बच्ची है। सुंबुल को खुद ब खुद फैसला लेने नहीं आता है। मैं ये समझता हूँ कि सुंबुल के लिए सबसे बेस्ट हैं एज एन को एक्टर, उनको सलमान खान के साथ ज़रूर काम करना चाहिए। जब भी आपकी जोड़ी को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो आपको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। जब आप अपॉर्चुनिटी को ठुकराते हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। सलमान खान और सुंबुल की केमिस्ट्री पर शिव ठाकरे ने ये जो बात कही है वो बिल्कुल मैच्योरिटी वाली बात है और यही बात सुंबुल और सलमान के फैंस को शिव ठाकरे की पसंद आई है। शिव ठाकरे ने यह साफ किया है कि अगर इन दोनों में ज़रा भी दिमाग होगा तो इन दोनों को अपनी लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। सारे रिश्ते सारे नाते एक तरफ, फैंस को खुश करना एक तरफ, अगर आप प्रोफेशनल एज एन एक्टर हो, अगर आप अपने आप को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाते हो, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग रखने चाहिए। कई सारे लोग हैं जो आज भी लड़ाई झगड़ों के बाद भी काम कर रहे हैं। तो साफ कर दिया है शिव ठाकरे ने कि अगर इन द नियर फ्यूचर ये जोड़ी को बनाया गया, इस जोड़ी को अगर काम दिया गया, इस जोड़ी को अगर फैंस की बात सुनी गई, तो इनके लिए सबसे बेस्ट होगा, वरना डिजास्टर भी हो सकता है। सुंबुल और सलमान को लेकर बड़ी नसीहत दी है शिव ठाकरे ने। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन शिव ठाकरे के इस रिएक्शन पे कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।